सुखोई के बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तेजस फ्लीट में भी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। क्या सच में भारत अभी नाइजीरिया को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को सप्लाई करने वाला है? कल उड़ीसा तट से फायर किए गए ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस वजह से सफल नहीं हुआ था और टेस्टिंग के दौरान इसमें क्या क्या दिक्कतें सामने आ गई थी? शुरुआत में एचएएल की इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में इंडियन नेवी शामिल होना नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी किस वजह से इंडियन नेवी की तरफ से इसमें भी शामिल होने का फैसला किया गया है? और अंत में चाइना की तरफ से अभी इंडियन बॉर्डर के लगभग 15 से 18 किलोमीटर अंदर आके कंक्रीट स्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर दिया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेके। आप सभी जानते हैं कि यह भारत का पहला VVR एयर टू एयर मिसाइल है और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स की M120C5 मिसाइल को काउंटर कर सकता है और ये रशियन ओरिजिन R77 मिसाइल से भी थोड़ा बेहतर है। साथ ही PL-12 मिसाइल की परफॉर्मेंस के मुकाबले भी अस्त्र मार्क 1 की परफॉर्मेंस काफी बेहतर है और ये चीज मैंने सिमुलेशन के दौरान आपको दिखाया था जब हम SU-30 और J-11 के बीच डॉग फाइट कर रहे थे। लेकिन अभी तक अस्त्र मिसाइल को सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की SU-30 MKI फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जा सकता है और सिर्फ सुखोई इसको फायर कर सकता है। लेकिन साथ ही HAL की तरफ से इसको तेजस में और MiG-29 में भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा था। अभी पता चला कि सबसे पहले इसको तेजस में इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है और तेजस की मार्क 1 वेरिएंट की सभी LSP यूनिट में भी इसको इंटीग्रेट करके टेस्ट करने की तैयारी किया जा रहा है और अभी आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर ही तेजस से अस्त्र मिसाइल की फायरिंग करने का प्लान किया गया है। ऐसे लगभग 4 से 5 ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन होने वाली है ये सिर्फ अभी ELTA-2032 रडार के साथ ही होने वाली, यानी कि अभी सिर्फ तेजस MK-1 के साथ अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि जो तेजस की MK-1A वेरिएंट होने वाला है उनमें थोड़े दिक्कतें आने वाले हैं, क्योंकि 83 तेजस MK-1A में से जितने भी ट्रेनर वेरिएंट रहेंगे वो सभी मार्क 1 स्टैंडर्ड के होने वाले और उनमें एल्टा की 2032 रडार का इस्तेमाल होने वाला है और इन सभी में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद बाकी बचे 73 में से पहले 20 यूनिट में एल्टा की 2052 रडार का इस्तेमाल होने वाली है और बाकी बचे 53 में उत्तम ऐसा रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन दोनों रडार्स के साथ 2023 के बाद ही अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करना शुरू किया जाएगा, जब इनको ऑफिशियली मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाएगा और इनको 2025 तक अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को फायर करने के लिए कम्प्लीटली मॉडिफाई कर दिया जाएगा। अभी हमारे पास जो तेजस मौजूद है, चाहे वो IOC स्टैंडर्ड के तेजस हो या फिर FOC स्टैंडर्ड के तेजस हो, ये सभी के सभी सिर्फ अभी WVVR मिसाइल को ही फायर कर सकते हैं, जिसकी रेंज 50 किलोमीटर तक ही सीमित है, जिस वजह से BVR डॉग फाइट में ये अपने मेन पाकिस्तानी ओपोनेंट से थोड़ा पीछे चल रहा है। लेकिन अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने के बाद तेजस के पास भी काफी हद तक VVR एडवांटेजेस होने वाला है। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके। पिछले कुछ दिनों से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर न्यूज पर बना हुआ है। जैसे कि कल ही मैंने आपको बताया था कि HAL की तरफ से अभी 3 नए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसको जल्दी से ही इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाएगा। साथ ही पिछले हफ्ते भी एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि नाइजीरिया की तरफ से अभी HAL की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया गया है और नाइजीरिया अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की एक स्क्वाड्रन को खरीदने वाला है। अब इसी बीच नाइजीरियन टीम को भी भारत की तरफ से हेलीकॉप्टर ऑपरेटिंग की ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है वो भारत से हेलीकॉप्टर को खरीद सकते हैं। अब नाइजीरिया की डिफेंस पोर्टल में ये बताया जा रहा था कि नाइजीरिया जल्दी से ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए भारत के साथ एक डील को साइन करने वाली है और कम से कम 12 से 14 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए वो अभी HAL के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच वो MI-35, Z-10 और T-129 जैसे हेलीकॉप्टर को भी इवेल्युएट कर रहे थे, लेकिन HAL की तरफ से उनके मुकाबले लगभग $1.7 मिलियन की कम कीमत में LCH को ऑफर किया जा रहा है, जिस वजह से वो अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अभी वो भारत में हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो मेनली HAL के हेलीकॉप्टर में उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिस वजह से उनको HAL के हेलीकॉप्टर के साथ ऑपरेट करने में काफी आसानी हो सकती है।
तो इसी वजह से काफी ज्यादा चांसेस यही है कि वो आगे चल के इंडियन मेड हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट करने वाले हैं। लेकिन एचएल के मुताबिक अभी तक ऑफिशियल लेवल में नाइजीरिया के साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की एक्सपोर्ट को लेकर कोई भी बातचीत शुरू नहीं हुआ है, पर इसको अभी नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करने के लिए पहले से क्लियरेंस दिया जा चुका है। लेकिन इसका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट होने वाला है वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए जो LCH को बनाया जा रहा है उनके मुकाबले थोड़ा अलग होने वाला है और इसकी प्राइस भी उनके मुकाबले थोड़ा कम होने वाला है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके, कल ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि इसको उड़ीसा के बलेश्वर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से फायर किया गया था और ये ब्रह्मोस मिसाइल का ER वेरिएंट था, यानी कि एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट था। लेकिन कल रात को NI की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आया था कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो टेस्ट किया गया था वो फेल हो गया है। ब्रह्मोस की जो ER वेरिएंट है वो लगभग 450 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग मीडिया की तरफ से ब्रह्मोस की जो रेंज है उसको किस तरीके से अलग अलग करके कोट किया जा रहा है। इसके बारे में हमने कल भी बात किया था कि DRDO की तरफ से कल इसको 400 किलोमीटर बताया जा रहा था और आज NI की तरफ से इसको 450 किलोमीटर बताया जा रहा है। खैर उनको अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, लेकिन अगर NI की रिपोर्ट की बात करें तो कल जब ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया तो ये कुछ ही समय के बाद ही गिर गया था। अब नॉर्मली ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ऐसे सिचुएशन हमको कम ही देखने को मिलते हैं और ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही रेयरली फेल होता है। अब हालांकि ब्रह्मोस की जो ओरिजिनल वेरिएंट था उसकी रेंज 290 किलोमीटर तक ही सीमित था, लेकिन अभी जब भारत MTCR ग्रुप में शामिल हो चुका है तो हम इसकी रेंज को अभी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पहले भी कई बार ER वेरिएंट को टेस्ट किया जा चुका है। इस बार जो टेस्ट फेल हुआ था इसमें प्रोपल्शन सिस्टम में गड़बड़ी होने की बात बताई जा रही है, हालांकि अभी इस पर छानबीन किया जा रहा है। लेकिन इस बार भारत अपनी इंडिजिनस प्रोपल्शन सिस्टम के साथ इसको टेस्ट कर रहा था, तो अगर प्रोपल्शन सिस्टम में कोई दिक्कत होगा तो वो हमारी इंडिजिनस सिस्टम के साथ होगा, जिसको आगे चल के ठीक करने की कोशिश की जाएगी। अगला अपडेट इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को लेकर, जैसे कि HAL की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए एक इंडिजिनस हेलीकॉप्टर को बनाना शुरू किया गया है जिसका नाम इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम रखा गया है। अभी तक इसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी शामिल हो चुके थे, लेकिन नेवी अभी तक इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहा था। लेकिन अभी नेवी की तरफ से भी इसमें HAL के साथ शामिल होने का फैसला किया गया है, क्योंकि आगे चल के हमको काफी बड़ी मात्रा में मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ने वाली है और अगर हम इनको आगे चल के इम्पोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगभग 2,00,000 करोड़ तक खर्च करना पड़ सकता है, जिस वजह से अभी एक इंडिजिनस हेलीकॉप्टर को ही डेवलप करने का फैसला किया गया है और इनको आगे चल के हम ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन से लेके एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसकी स्केल मॉडल को तैयार किया जा चुका है और 2025 से 26 के बीच इसकी टेस्ट फ्लाइट को भी कंप्लीट करने का काम रखा गया है, लेकिन इसके लिए अभी 10,000 करोड़ की जरूरत पड़ने वाली है। HAL की तरफ से क्लैरिफाई कर दिया गया कि ये कस्टम बिल्ड हेलीकॉप्टर होने वाली है, जिस वजह से आर्मी एयरफोर्स और नेवी अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उनकी जरूरतों के हिसाब से इसमें अलग अलग तरह के सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है और स्पेशली जो नेवल वेरिएंट होगा उसकी रेंज बाकी हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होने वाला है। साथ ही इसको सरफेस ऑपरेशन के साथ साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी डिजाइन किया जाएगा और ये अपने एयरफोर्स और आर्मी वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा वेपन को भी कैरी कर पाएगा। वैसे बाहर से दिखने में तो लगभग सेम ही दिखने वाले हैं, लेकिन नेवल हेलीकॉप्टर का जो कॉकपिट लेआउट होने वाला है वो इन दोनों के मुकाबले थोड़ा अलग होने वाला है और इसे स्पेसिफिक मेरीन ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जाएगा। अभी इसकी 6 इनिशियल प्रोटोटाइप को बनाने का प्लान किया गया है, जिनको पहले इंडियन आर्मी एयरफोर्स और नेवी की तरफ से टेस्ट करने के बाद इसकी ऑर्डर के लिए डिस्कशन किया जाएगा और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो आने वाले 15 सालों में HAL को इससे 2,00,000 करोड़ तक का प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इनको इंडियन एयरफोर्स की सभी MI-17 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए आगे चल के इस्तेमाल किया सकता है। साथ ही इंडियन नेवी की मल्टीरोल हेलीकॉप्टर रिक्वायरमेंट को भी ये आगे चल के पूरा कर सकता है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके, और अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच फेसअप चल रहा है और पिछले कई दिनों से भारत चाइना के साथ नेक्स्ट बॉर्डर मीटिंग को करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना शायद अभी भारत के साथ और बातचीत करना नहीं चाहता और वो बार बार बॉर्डर मीटिंग को डिले कर रहे हैं। अभी भारत का जो मेन कंसर्न है वो हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डिपसैंग सेक्टर से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट करना है, लेकिन अभी शायद ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अलग अलग मीडिया की तरफ से भी बताया जा रहा है कि चाइना अभी बॉर्डर में परमानेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर चुका है और टेलीग्राफ की तरफ से बताया गया कि चाइना अभी लद्दाख में
इंडियन साइड में आके कंक्रीट टावर्स को बना चुका है, जिसमें वो सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा रहे हैं। बदले में भारत की तरफ से भी चाइनीज मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए सीसीटीवी कैमरा को लगाया जा रहा है, लेकिन हमारे जो कैमरा प्लेस किया गया उनको लकड़ी के पोल में प्लेस किया गया है, जबकि चाइना की तरफ से वहां पे कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया जा चुका है। सोर्सेस का कहना है कि चाइना अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में और ज्यादा सोल्जर्स को डिप्लॉय करना नहीं चाहता है, लेकिन पहले से वो डेफसैंग प्लेन में आके कुछ एरिया में घुस चुके थे, जहां से वो भी पीछे जाने के लिए राजी नहीं हो रहे, और यहां पर आके वो परमानेंट स्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हैं, जो कि मेनली अभी इंडियन आर्मी की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। और इससे पहले भारत और चाइना के बीच एक अंडरस्टैंडिंग था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी परमानेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर को नहीं बनाएगा, लेकिन अभी चाइना की तरफ से इसको तोड़ा जा चुका है। और अभी टेलीग्राफ के मुताबिक चाइना 18 किलोमीटर तक इंडियन साइड में मौजूद है और वो पेट्रोल पॉइंट 10 से लेके 13 तक अभी ब्लॉक करके रखे हुए हैं। जब डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ था तब वो यहाँ से पीछे जाने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन अभी वो इस बात पर फर्दर बात करना भी नहीं चाहते हैं। अगला अपडेट भारत और अफगानिस्तान को लेके। कल एक अपडेट सामने आया था जिसमें ये क्लेम किया जा रहा था कि भारत अभी अफगानिस्तान की आर्मी को तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मदद करने की कोशिश किया जा रहा है, और इंडियन एयरफोर्स की C-17 के जरिए भारत की तरफ से लगभग 40 टन के आसपास गोला बारूद को अफगानिस्तान को सप्लाई किया गया है। और ये स्टेटमेंट सबसे पहले कुछ अफगानिस्तान बेस्ड मीडिया की तरफ से दिया गया था, और उसके बाद इनको पाकिस्तान के अलग अलग मीडिया की तरफ से शेयर किया जा रहा था, लेकिन आज अफगानिस्तान की तरफ से इस बात का खंडन किया गया है और कहा गया कि भारत की तरफ से अभी कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट को या हथियार को उनको सप्लाई नहीं किया गया। ये बात सच है कि इंडियन एयरफोर्स की C-17 ईरान के एयर स्पेस से होते हुए अफगानिस्तान गया था, लेकिन वो सिर्फ अपने डिप्लोमेट्स को वहां से वापस लाने के लिए गए थे। और अगर आप इस इमेज को देखेंगे जिससे वाइडली पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इंडियन एयरफोर्स की C-17 कहकर शेयर किया जा रहा था, ये दरअसल इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट नहीं है, और इसके साथ एक दो C-17 के इमेज को शेयर किया जा रहा था, लेकिन वो वहां पे वेपन लेके गए थे या ऐसे ही कोई C-17 की इमेज को उठाकर वहां पे पोस्ट कर दिया गया था, ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। बाकी अगर C-17 वेपन लेके जाने वाली बात सही है तो सेम डे पर वहां पे यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स, नेटो और इटली के एयरक्राफ्ट भी गए हुए थे, तो मे बी उनमें से किसी ने वहां पे वेपन को डिलीवर किया होगा, जिनको पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से जानबूझकर भारत के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि आगे चल के तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.